नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती सांगवान। आज का मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ज्ञापन सौंप रहे हैं तो कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी भी सुनी जाए। दरअसल कुछ ही दिन पहले हरियाणा सरकार ने कई कर्मचारियों को खुशखबरी दी थी, लेकिन आजकल कई ऐसे महकमे हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं। कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सरकार से तमाम वो बेनिफिट, तमाम वो सुविधाएं नहीं मिल रही जिनके वो हकदार हैं। तो कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर कि सालों से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन ही नहीं दिया गया, और अगर किसी को प्रमोशन मिलना भी है तो उनकी फाइल जगह जगह फंसी है, दबी हुई है। बड़ा सवाल है कि आखिर कर्मचारियों की समस्याएं कब सुनी जाएंगी। अलग अलग महकमों के ये कर्मचारी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इनकी भी सुनी जाए। ये अपने समय से अतिरिक्त समय देते हैं, ड्यूटी आवर से ज़्यादा वक्त देते हैं, लेकिन इन्हें ओवर टाइम नहीं मिलता। पुरानी पेंशन स्कीम हटा दी गई है जिसकी कई बार मांग कर चुके हैं, और वहीं कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी ये दरकार रखते हैं, जो इनका हक भी है, लेकिन आज तक इन्हें नहीं मिले। वहीं कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनकी मांग सरकार से सिर्फ इतनी सी है कि उन्हें ओवर टाइम दिया जाए, क्योंकि वो लंबी ड्यूटी आवर्स करते हैं, कई घंटों तक लगातार काम करते हैं, लेकिन इन्हें कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता। ऐसे में इन्हें सरकार से सिर्फ इतनी ही आस है कि सरकार इनकी समस्याओं को सुने, उनके समाधान निकाले, ताकि ये भी अपनी ड्यूटी को बखूबी अदा कर सके। धरने प्रदर्शन का रुख इख्तियार कर रहे इन कर्मचारियों के कई सवाल हैं, कई मांगे हैं जो ये सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसी को लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन का रुख इख्तियार किया है। कई जगह सरकार को ज्ञापन भी सौंपे हैं। तो आज के सवाल आपके सामने हैं, कब तक धरने पर बैठने को मजबूर होंगे कर्मचारी। बड़ा सवाल है, कर्मचारियों की मांगे कब होंगी पूरी, कर्मचारियों की समस्याओं पर कब ध्यान दिया जाएगा, कब इन्हें दुरुस्त किया जाएगा, सरकार और कर्मचारियों के बीच आखिर तालमेल कब बैठेगा। कर्मचारियों की मांगे कितनी जायज है ये भी सवाल है। क्या कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत पेश नहीं आती। जनता को परेशानियां होती हैं जब भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कब तक धरने पर बैठेंगे कर्मचारी, कर्मचारियों की मांगे कब पूरी होंगी। क्या एक ऐसे महकमे की जरूरत नहीं है जो तमाम कर्मचारियों की दिक्कतों को समझे, उन्हें सुलझाए, सरकार तक सिफारिश करे कि इन्हें भी दुरुस्त किया जाए। कई ऐसे महकमे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, एक पुराने धरने पर चले आ रहे हैं, और उनमें आज बदलाव की जरूरत है। ऐसे में तमाम सवाल आपके सामने हैं, हमारा फोन नंबर आपके सामने है, कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए और बताइए आपको क्या लगता है धरना प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार करने वाले इन कर्मचारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं। देश प्रदेश में जगह जगह कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के समक्ष मांगे उठा रहे हैं कि उनकी भी समस्याओं को सुना जाए, उनकी समस्याओं के लिए समाधान तलाशे जाए। जगह जगह कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं, और अपने अपने महकमों से जुड़ी हुई समस्याओं से सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं। कर्मचारियों की मांगे सिर्फ इतनी है कि उनकी भी सुनी जाए, उनकी भी सुध ली जाए, और उनके महकमों में तमाम वो दिक्कतें जिनसे वो दो चार हो रहे हैं उन्हें दूर किया जाए, और कर्मचारियों के लिए एक ऐसा माहौल बना जाए जिसमें वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा सके। तो कई जगहों से खबरें हैं, कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन ऐसे में बड़ी समस्या ये है कि जब भी धरने प्रदर्शन होते हैं तो भुगतना आम जनता को पड़ता है। ये कर्मचारियों की मांगे मांगने का क्या तरीका सही है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि सालों से कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या एक ही रास्ता बचा है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। क्या सरकार एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा तालमेल स्थापित नहीं कर सकती जिस तरह की धरने प्रदर्शन से बचा जा सके और तमाम समस्याओं से भी अवगत हुआ जा सके। पहले कॉलर जुड़े हैं, बंसीलाल इनका नाम है, भिवानी से हैं। जी बंसीलाल, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। लगातार कई जगह कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं एक बात तो ये बता देता हूँ जी, मैं खुद एक कर्मचारी हूँ जी। सरकार मेरे को क्या स्वीप दे देती है, पहले तो ये बता देता हूँ। 2300 रुपए तो मेरे को बच्चे पढ़ाने के देती है, बीमार हो जाऊं तो सारा खर्च सरकार वहन करती है। मेरे को 7000 रुपए घर का किराया दिया जाता है, मेरे पास अपना घर है, मेरे को अच्छी मोटी तनख्वाह 72100 रुपए प्लस 75600 रुपए मेरी बेसिक है, मेरी तनख्वाह 92000 के करीब है जी। इसके अलावा मेरे को ये सुविधाएं भी मिलती हैं जी।
मैं अब इन कर्मचारी भाइयों से कहता हूँ ये दहे प्रदर्शन करें ना, यदि ये सरकारी नौकरी इतनी खराब है तो इस नौकरी ने छोड़ के दूसरा काम करके देख लो जी। ये सारा देश लूटने का अधिकार केवल हम कर्मचारियों को नहीं है, मैं कर्मचारी होते हुए स्वीकार करता हूँ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा इन कर्मचारी भाइयों से, अपने घर बैठ जा, किसान की दशा देखा, मजदूर की दशा देखा, जो 20 दिन उसको काम नहीं मिलता और 400 रुपए दिहाड़ी नहीं मिलती, 8000 रुपए महीने के नहीं मिलते, हमने तो ऐसा हो गया कि हमने तो लूट के खाने की आजादी पड़ गई। इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं, मैं खुद एक अध्यापक हूँ, एक भी अध्यापक 3% अध्यापक भी पूरा हरियाणा में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते, सरकारी अस्पतालों में दिखाते नहीं, क्योंकि सरकार हमें प्राइवेट अस्पतालों का देती है। यानी पूरा पूरा लूट के खाने का हमारा प्रोग्राम हो गया और जनता कर्मचारियों से तंग आ चुकी है। ये कर्मचारियों को सोचना चाहिए, जनता दूत ना मारे इसलिए समय के ऊपर अपना विचार कर जाएं, अन्यथा जनता छोड़ेगी नहीं। मैं ये बात भी स्वीकार करता हूँ, कर्मचारी नेता धर्मगुरु एनजीओ ट्रस्ट और ये बुद्धिजीवी देश के लिए खतरा बन गया, सरकार ने इनका विरुद्ध और जी। बंसीलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। बंसीलाल ने हमें कॉल किया है, भिवानी से खुद एक कर्मचारी हैं और उन्हें लगता है कि धरने प्रदर्शन जायज नहीं है और उन्हें ये भी लगता है कि जिन कर्मचारियों को नौकरी मिली है उन्हें किसानों की मजदूरों की दशा भी देखनी चाहिए। काफी मुखर हुए हैं कर्मचारियों पर और खुद एक कर्मचारी हैं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सिरसा से हैं बलदेव जी। बलदेव जी बताइए आप क्या राय रखते हैं, कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मुद्दे पर आप अपनी राय बताएं। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी कि मेरे भाई बंसीलाल ने जो कहा है जी, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने कर्मचारियों का तो बता दिया, इनको ये मिलता है ये मिलता है। आप ये बताओ कि जो ये समाज सेवा का नाम ले गए, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य बनते हैं, इनको कितना मिलता है और ये वहां उनको कितना खर्च करते हैं, इनको गाड़ी का इनको अलाउंस मिलता है कि आप अपने हल्के में जाएंगे तो गाड़ी मेरे जैसे किसी और आदमी भी होती है और ये किराया ये वसूल करते हैं, टेलीफोन का इनको मिलता है, टेलीफोन किसी दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन का बिल ये खाते हैं। अगर 2 महीने भी कोई MLA रह गया तो उसको आपने 1 महीने में 2-2.5 लाख रुपए इसको पेंशन मिलती है और बाकी के इसको 2% और 1.5% के ऊपर इनको मकान का गाड़ी का और मिलता है। आप ये बताओ इनके बारे में, बंसीलाल को नहीं पता है पर क्यों? जी बलदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। बंसीलाल की तरह बलदेव जी ने भी यही सवाल उठाया है कि सरकार कितना खर्च करती है। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, करनाल से हैं, कृष्ण इनका नाम है जी। कृष्ण जी बताइए आप क्या राय रखते हैं, कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय बताएं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा रोड में कभी बिजली कर्मचारी कभी सफाई कर्मचारी जी, मैं ये कहता हूँ कि हो क्या रहा है, अगर इनकी किसी भी बात के ऊपर कोई कंप्लेंट है तो सरकार से बैठ के बात की जा सकती है जी। ये धरना प्रदर्शन करती हैं, एक यूनियन प्रदर्शन करती है तो दूसरी यूनियन जो हमको समर्थन देती है, इसमें आम पब्लिक का क्या दोष है जी। जी कृष्ण जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझी करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ दिनेश जुड़े हैं नरवाना से जी। दिनेश बताइए आप क्या राय रखते हैं, कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन का रास्ता क्या आपको सही नजर आता है कर्मचारियों का? नमस्ते जी। जी नमस्ते, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, अपनी राय बताएं। ऐसा है जी, मैं ये नहीं कहना कर्मचारियों के साथ कहीं जाति नहीं होती होगी, हो सकता है लेकिन कोई जाति नहीं है इस टाइम इनकी गुंडागर्दी है, इनके पास रुपए की कमी नहीं, नेता लोगों के साथ इनके संबंध है। ये कर्मचारी ये क्यों नहीं कहते नेता लोगों की पेंशन बंद करो, नेता लोगों के पत्ते बंद करो, हम जनता की सेवा करेंगे, ये जनता की सेवा थोड़ी कर लग रहे हैं। हर चाहे वो किसी की गवर्नमेंट हो, भ्रष्टाचार इन कर्मचारियों ने इतना बुरी तरह से फैला रखा है, देश के अंदर एक मासूर बन चुका है। इन कर्मचारियों को तो बहुत बुरा हाल हो जाना चाहिए, इनका तो नेता वो तो होना भी चाहिए, इनका उससे ज्यादा होना चाहिए। बगैर पैसे काम नहीं करते, बगैर पैसे कुछ करते नहीं, दिखा कितने अपडेट कितने कपड़े पहन रहे हैं जी। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। नरवाना से उन्होंने फोन किया है, दिनेश ने कहा है कि कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि इनकी मांगों पर विचार किया जाए। और इससे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम इनका नाम है, चेन्नई से फोन कर रहे हैं। बताइए प्रेम आप क्या राय रखते हैं, कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, क्या कर्मचारियों का अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना आपको जायज लगता है?
नमस्कार मैम जी। नमस्कार। सबसे बड़ी बात ये है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है जी। जब उनको पता है कर्मचारियों को पे हमारे एमएलए एमपी रोज अपने भाव भत्ते सब कुछ बढ़ा रहे हैं, उनको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिले, ये क्यों काम करेंगे। और वो तो ये बोल के उनका बढ़ रहा है कि उनको तो कुछ काम करना नहीं, पार्लियामेंट को अटेंड करना है कुछ दिन, और बाकी उनके भत्ते जो बढ़ते हैं उनको सब कुछ फ्री है। और वो कहते हैं जनता से जब वोट मांगते हैं, हम तो निष्कुल सेवा कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा खून का कतरा कतरा देश की सेवा के लिए है। चाहे पीएम साहब हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे कोई भी हो, सब यही कहते हैं कि खून का कतरा कतरा हमारा देश के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे तो इतनी तनख्वाह बढ़ाते हो, इतनी तनख्वाह देते हो, इतने आराम से रहते हो, तो कर्मचारियों को नहीं समझ में आते? वो भी सरकार के कर्मचारी है, आप भी सरकार के कर्मचारी हो, आप अपनी तनख्वाह बढ़ाते जाओगे तो कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, उनकी महंगाई नहीं लगती है, आप तो अपने जी। प्रेम शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ राकेश जुड़े हैं दादरी से जी। बताइए क्या राय रखते हैं आप इस पूरे मामले पर। जी आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं एक तो कर्मचारी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर सीधे चले जाएं, कहीं जनता का गुस्सा हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। बंसीलाल एक बोला था जी, उसने कई बात नहीं बताई, वो बात मैं आपको बताऊंगा। एक सरकारी कर्मचारी महिला को 6 महीने का तो प्रसूति अवकाश और 2 साल का बच्चा पालन अवकाश और 4 साल में हमको घूमने की एक तनख्वाह और इसके अलावा 10 अरंडलियू जिनकी तनख्वाह कम से कम भी हर कर्मचारी की 30,000 रुपए साल की एक्स्ट्रा बनती है, फिर कॉमोडिटी, हम को इतने पैसे की जरूरत नहीं है जो सरकार हमको दे रही है। और ये जो कर्मचारी हैं ये चंदा इकट्ठा करके ना जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं इन कर्मचारी भाइयों से आपके टीवी चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि अपने घर चले जा, जनता को यदि सारी बातों का पता लग गया ना, आपा ने जनता अच्छी प्रकार जानती है हम कर क्या रहे हैं, हम लुटेरे वर्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं है आज इस विकसित भारत में। इसलिए मैं दोबारा फिर प्रार्थना करूंगा कि अपने घर चले जा, एक एक महिला कर्मचारी को सरकार घर बैठे 30 लाख रुपए से ज्यादा दे देती है, और एक जमींदार पूरी उम्र में इतने नहीं देख पाता। एक बात और बताऊंगा जी। राकेश जी शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। राकेश हैं और ये भी खुद कर्मचारी हैं और इन्हें लगता है कि कर्मचारियों को सरकार काफी मोटी तनख्वाह दे रही है। इन कर्मचारियों को सोचना चाहिए देश के उन बेरोजगारों के बारे में, उन किसानों के बारे में भी जिनकी कमाई बहुत कम है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये कहना था दादरी से राकेश का। और साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र हैं हिसार से जी। राजेंद्र बताइए आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर कि किस तरह से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है इस पर आपकी क्या राय है। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैडम ये कहना है, ये कर्मचारियों ने खुद ने सोचना चाहिए, सारी चीज मिल तो गई और क्या इनका क्या रह गया कर्मचारियों का, ये तो ऐसे ही वो करते रहे, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, कर्मचारियों क्या बाकी रह गया, हर चीज इनको मिलती है, हर सुविधा इनको मिलती है जी। अब मर तो हमारे जैसे रहे हैं जिसने 25-25 लाख की बस लाके पे खड़ी कर रखी है, हमारा सफेद हाथ सफेद टूट गया, फिर भी हमारे को पार्किंग नहीं हो रही गाड़ी, हमारे को परमिशन नहीं मिली चलाने की, बताओ 17 महीने हो गए हमारे को, समस्या तो हमारे को हो रही है, ये कर्मचारी को क्या बिगड़ रहा है, ये तो कुछ नहीं, तनखा दे रहे हैं मोटे पैसे कमा रहे हैं, अब हमारे तो 25-25 लाख रुपए लगा करके घर पे खड़े हम, ये बताओ 17 महीने से हमारी बसें खड़ी है जी। जी राजेश जी शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। ये राजेश हैं और रोडवेज विभाग के कर्मचारी जिस तरह से बसों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं उस पे इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने 25 लाख रुपए लगाकर एक बस खरीदी ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, बस को रोडवेज में ठेके पर लगा सकें, लेकिन अब समस्या ये है कि रोडवेज कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और इसी के लिए राकेश ने फोन किया था। और इन्हें लगता है कि कर्मचारियों को बेरोजगारों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आज का मुद्दा आपके सामने है कि कैसे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के रास्ते पर चल निकले हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी समस्याएं सुनी जाएं, इनकी समस्याओं के समाधान निकाले जाएं। ऐसे में बड़े सवाल हैं आपके सामने। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कर्मचारियों का इस तरह से धरना प्रदर्शन करना जायज है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में आखिर तालमेल कब बनेगा, कब कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि कर्मचारी अपनी बात सरकार तक पहुंचाए बिना किसी धरने के, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना काम को रोके हुए। तो ऐसे में कम से कम आम जनता जिसे दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है धरना प्रदर्शन के दौरान, वो बच जाएगी। और इस साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, शोभा इनका नाम है, करनाल से फोन कर रही है। बताइए शोभा आप क्या राय रखती है कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन के बारे में।
हाँ जी मैं नमस्ते नमस्ते बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ मतलब कर्मचारियों की हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होती हो, सरकारों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें समझना चाहिए एक दूसरे की बातों को और बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जब वो पहला नोटिस दें तो सरकार को उसी समय उनको बुला के पूछना या समझाना चाहिए, इतने लंबा खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि लंबा खींचने से कर्मचारी अनॉयड हो जाते हैं, सरकारों को जवाब फिर भी देना होगा और देना पड़ता भी है। तो सरकारों को पहले नोटिस पर ही जब मतलब सुगुगाहट हो कुछ ऐसी तो उनको पहले ही सुनना चाहिए जी। और उनका फर्ज भी है ये सुनने का, ताकि मतलब ये दिक्कतें ना आए और कर्मचारियों को भी अपनी डिमांड कुछ कुछ हद तक इस तरीके से रखनी चाहिए, ताकि मतलब सरकारों के ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़े, क्योंकि बर्डन केवल सरकार मतलब कर्मचारियों का ही होता है, सरकारों का अपना कोई बर्डन नहीं होता, उनकी चाहे जितनी मर्जी पे बढ़ जाए, जितनी मर्जी उनकी फैसिलिटी हो, उनके लिए कभी बर्डन नहीं पड़ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, शोभा है करनाल से उन्होंने फोन किया है। तो आज का मुद्दा आपके सामने है, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, कहीं धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं नारेबाजी की जा रही है, कहीं ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जायज है, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, आम जनता परेशान होती है। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कर्मचारी धरने प्रदर्शन ना करें तो अपनी मांग आखिर सरकार तक पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे, शायद एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिससे कि कर्मचारियों को अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए आसानी हो और उनकी मांग आसानी से सरकार तक पहुंच सके। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मोरनी से चरण सिंह जुड़ चुके हैं जी। चरण सिंह जी बताइए, आप क्या राय रखते हैं कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन के इस मुद्दे पर जी, बताइए। शायद जी बताइए क्या राय रखते हैं आप। मेरी राय में ये जो लगातार कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी अपने जो है वो सही मांग मनवाने के लिए वो होते हैं, लेकिन वो भी क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी होते हैं, बाकी अधिकारी तो सब अपने मन की करते हैं। पहले हरियाणा रोडवेज में हड़ताल हुई तो भी परेशानी हुई लोगों को, और ये अधिकारी जो है जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तक हो गई इस समय साथ में वे कमीशन से, उसके बाद ही पता नहीं इनको कितनी सुविधा चाहिए। और हाँ वो जैसे दिल्ली में नगर निगम के कर्म जो सफाई कर्मचारी ने 2-3 साल पहले हड़ताल करी थी वो बिल्कुल सही थी, इसलिए उनके बच्चे परेशान हो रहे थे, जिसमें आप पार्टी की रूप लियाकत और संदीप चौधरी ने जो सफाई कर्मचारी की बातें नहीं मानी थी, उनको बच्चों को खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, दूध की समस्या हो गई थी क्योंकि वो और वो दलित भी थे तो उनपे अत्याचार भी वो काफी हुआ था। इस तरह चीजों को नहीं होना चाहिए। और जी बहुत बहुत शुक्रिया चरण सिंह जी हमें फोन करने के लिए। एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं, राजकुमार इनका नाम है, दिल्ली से फोन कर रहे हैं। बताइए राजकुमार जी क्या राय रखते हैं आप कर्मचारियों के इन धरने प्रदर्शन के मुद्दों से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर। जी बताइए राजकुमार जी, शायद इनसे संपर्क नहीं हो पाया है, दिल्ली से राजकुमार ने हमें फोन किया था। तो आज का मुद्दा आपके सामने है कि कैसे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए हैं, कहीं धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, कहीं कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब भी कर्मचारी धरने प्रदर्शन करते हैं तो समस्या आम जनता को आती है, क्या सरकार और कर्मचारियों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, क्या सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत का सिर्फ एक ही जरिया रह गया है धरने प्रदर्शन, क्यों एक ऐसी व्यवस्था कायम नहीं की जाती जिसमें कर्मचारी अपनी बातें अपनी मांगे सीधी सरकार तक पहुंचाएं और सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और जवाब दे कि कर्मचारियों की इन तमाम मांगों पर सरकार क्या रुख रखती है। कर्मचारियों के लिए भी बड़ी समस्या ये है कि अपनी मांगों के लिए अपनी मांगे उठाने के लिए इनके पास एक ही रास्ता बचा है, वो है धरने प्रदर्शन, जिसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत से रणवीर जी। रणवीर बताइए आप क्या राय रखते हैं कर्मचारी जिस तरह से धरने प्रदर्शन करते हैं, क्या लगता है ये एक जायज रास्ता है अपनी मांगों को आगे रखने का? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, बताइए। मैं भी एक कर्मचारी हूँ हरियाणा सरकार में जी। मैडम जी ये जितनी मांगे हैं बिल्कुल सारी गलत है जी। इन कर्मचारियों को जी अगर वर्ल्ड बैंक का डेट भी खोल देना इनकी जितनी भी मांगे पूरी नहीं होंगी जी। मेरी 30 साल की नौकरी है, आज तक मांगे ही मांगे मानती रही सरकार। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी 60 और 65 हजार से कम तनख्वाह नहीं लगता मैडम जी, चाहे इनको शर्म आनी चाहिए। बेरोजगारी स्टेट के अंदर इतनी है, उनको देख के ये टाइम क्यों नहीं काटते? और क्या करते हैं मैडम जी, क्या नया करते हैं कर्मचारी? ये तो जनसेवा है,
सरकार ने सारी मांगे मान रखी हैं, इनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और इनका पक्का इलाज कर देना चाहिए बिल्कुल सरकार ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमें फोन करने के लिए। रणवीर थे पानीपत से और इनका कहना है कि सरकारों ने कर्मचारियों की बहुत मांगे मांगी हैं, कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाहें भी मिलती हैं और कर्मचारियों को बेरोजगारों की तरफ देखना चाहिए जिन्हें रोजगार की दरकार है और कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाया है कर्मचारियों की हड़ताल पर। तो आपको बता दें आज का मुद्दा कुछ इस प्रकार है कि कर्मचारी कहीं धरने दे रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ मुखर हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं की सुध ली जाए। ऐसे में कई लोगों ने आज हमें फोन किया है और सख्त महेंद्र हैं बैंगलोर से हमें फोन कर रहे हैं। जी महेंद्र बताइए क्या राय रखते हैं कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन से जुड़ी तमाम खबरों पर, क्या लगता है आपको, क्या एक जायज तरीका है अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठाने का? हाँ जी मैम, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ महेंद्र जी। जी मैं यहाँ पेंटिकार्ड में बागमती ट्रेन में मैं ड्यूटी करता था जी, और उसमें मेरी सैलरी 16,000 थी जी, और उस टाइम मेरा कुछ भी क्या भी नहीं कर पाता था बच्चों के लिए जी, न बच्चों को पढ़ा लिखा पाता था, न घर का मेरा राशन पानी चल पाता था अच्छा से जी, ना ही तो इसके पीछे कोई सेंट्रल सरकार सोचती है और ना ही राज्य सरकार सोचती है। जो 12,577 दरभंगा टू मैसूर को जाती है उसमें कितना क्या पेंटी कार्ड स्टाफ को ड्यूटी है वो आप लोग खुद चेक करके देख सकते हैं जी। बिल्कुल महेंद्र जी, आप बीती आपने सुनाई है। महेंद्र है बेंगलोर से फोन किया है, उन्होंने कहा है कि ये भी एक नौकरी करते थे, इनकी तनख्वाह बहुत कम थी, शायद सरकार को ऐसे विभागों के बारे में भी सोचना चाहिए जहां इतनी कम तनख्वाह पर लोग काम कर रहे हैं। और सर कॉलर जुड़ी है, रशीदा है देहरादून से, बताइए रशीदा क्या कहना चाहती हैं आप, कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार किया है, क्या राय है आपकी? नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगर आपकी मांग जायज है तो तब तो ठीक है, अगर हमारे देश का युवा बहुत देर जब से, मैं खुला कहती हूँ चाहे मुझे आओ गिरफ्तार कर लीजिए, जब से बीजेपी आई है बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई और बहुत सारे युवा जो है ना बेरोजगार हो गए। अच्छा। क्योंकि रोजगार बहुत बंद कर दिए गए बहुत सारी कंपनियां ऐसी, तो भाई जब आपको तनख्वाह मिल रही है सब कुछ अच्छे से मिल रहा है तो आप क्यों धरना दे रहे? अगर आप अपनी जगह सही हैं तो सरकार क्यों लापरवाही कर रही है भाई? जी रशीदा जी, अभी अभी आपने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, एक दो कंपनी का नाम बताएंगे आप? जी जो कांग्रेस पार्टी ने रोजगार खुलवाए थे मैम। अच्छा। मैं बहुत सारे रोजगार खुलवाए थे, ऐसी बात नहीं है। मैं एक भैया आता है हरियाणा से, वो कांग्रेस पार्टी के बारे में हमेशा बोलता है, मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि राजनीति में उन्होंने अपना सब गवाए दिया मैम। उन्होंने युवाओं के लिए फैक्ट्रियां कंपनियां बहुत सारी खोल ली थी मैम, और अब कहाँ है, बहुत नोटबंदी हो गए, रोजगार बंद हो गए मैम, कितने रोजगार बंद हो गए, बहुत सारे बंद हुए मैम। जी बिल्कुल रशीदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। देहरादून से रशीदा ने फोन किया है और इन्हें लगता है कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आज का मुद्दा आपके सामने है कि कैसे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए हैं, सरकार के समक्ष मांगे रखी हैं कि उनकी समस्याओं को सुना जाए और जो रास्ता इख्तियार किया है वो प्रदर्शन का है। बड़ा सवाल है कि जब भी प्रदर्शन होते हैं, धरने दिए जाते हैं, समस्या आम जनता को ही होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शायद दरकार है एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसी व्यवस्था की जिसे कायम किया जाए तो शायद सरकार और कर्मचारियों के बीच एक ऐसा तालमेल हो कि बिना धरने प्रदर्शन के ही कर्मचारी अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। फिर हाजिर होंगे देश की आवाज में एक नए मुद्दे के साथ, देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।